दिल्ली के जंतर मंतर में जनता की अदालत कार्यक्रम में बोले पूर्व सीएम केजरीवाल, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, मुझे बेईमान बताने की साजिश की गई। केजरीवाल बोले, कुछ दिन में सीएम आवाज छोड़ दूंगा, अब दिल्ली में मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं। केजरीवाल ने कहा, मुझे कुर्सी की भूख नहीं, मैं दाग के साथ काम करना तो दूर जी भी नहीं सकता। पूर्व सीएम केजरीवाल बोले, मैं पूछना चाहता हूं कि जेल भेजने वाले चोर हैं या मैं, जनता बताए कि ईमानदार है या बेईमान। केजरीवाल ने कहा, पीएम ईडी सीबीआई के जरिए डरा रहे हैं, क्या ये सही है? भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने पार्टी में शामिल क्यों कराया? केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे, बोले क्या ईडी सीबीआई से पार्टियों को तोड़ना सही है? बीजेपी में भ्रष्ट नेता क्यों शामिल हो रहे? केजरीवाल बोले, भागवत जी बताएं, बीजेपी का पथ भ्रष्ट क्यों हो रहा है? क्या वो बीजेपी के इन कदमों से सहमत है? केजरीवाल बोले, मेरी चमड़ी मोटी नहीं, मुझे चोर कहते हैं तो आत्मा दुखी होती है। केजरीवाल ने कहा, मैं यहां पैसे कमाने नहीं आया था, 10 साल में 10 बंगले और 10 प्लॉट ही हो जाते, लेकिन मैंने कुछ नहीं कमाया। केजरीवाल की जनता अदालत पर बोले बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी, ये भ्रष्टाचारियों की अदालत, आगामी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार तय। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में गृहमंत्री अमित शाह ने रैली की, बोले अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले राहुल आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं लेकिन हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। अमित शाह बोले, आतंक खत्म होने पर ही पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, अगर गोली चलनी हो तो जवाब गोली से देंगे। तरुण चुग ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला हमला, कहा गांधी परिवार की महापरिक्रमा छोड़कर कांग्रेस पार्टी बचाई। तरुण चुग ने निशाना साधते हुए कहा, लगातार 2 दर्जन चुनाव हार चुके हैं, अब भी चुनाव हारने के डर से नया हथकंडा ला रहे हैं। अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान पर राहुल गांधी का ट्वीटर, लिखा बीजेपी मेरे बयान को लेकर झूठ फैला रही है, हमेशा की तरह वो झूठों का सहारा ले रही है। राहुल बोले, बीजेपी सच्चाई का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो मुझे चुप कराने पर तुले। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल ने हमेशा भारत को नीचा दिखाने का काम किया, कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक जैसे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद किए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर, पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश में ट्रेन से साजिश की बड़ी खबर का खुलासा, नेपा नगर में सेना की स्पेशल ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश, 10 डेटोनेटर लगाकर ट्रेन पलटने की कोशिश हुई। नेपा नगर में सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास वारदात हुई, एनआईए और एटीएस के अधिकार मामले में जांच में जुटे। कानपुर में फिर पलटाने की साजिश, ट्रेन को प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर छोटा गैस सिलेंडर मिला। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर देख मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रेन रोकी, बड़ा हादसा होते होते टला, रेलवे ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की किताब के कंटेंट पर सवाल, 3री कक्षा की पर्यावरण की किताब के चैप्टर पर आपत्ति। खजुराहो में छात्रों के अभिभावकों ने कंटेंट को लेकर आपत्ति जताई, लव जिहाद वाली साजिश का आरोप लगाया। अहमद को रीना का लेटर, कंटेंट के खिलाफ शिकायत, किताब से चैप्टर हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। एमपी के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले 3री कक्षा के बेटा बेटी को लव जिहाद जैसे सब्जेक्ट से जोड़ना गलत, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे विषय पनपने नहीं देंगे, शिक्षा मंत्री से कार्रवाई की मांग करेंगे। न्यूयॉर्क में होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय प्रवासियों ने किया जोरदार स्वागत, मोदी मोदी के लगे नारे। पीएम मोदी आज सीईओ राउंड टेबल में प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के एडवांस तकनीक के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग पर जोर। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों को भी करेंगे संबोधित, कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फुमियो किशिदा रहे मौजूद। बैठक से पहले क्वाड लीडर्स का फोटो सेशन भी हुआ, पीएम मोदी के ठीक बगल में खड़े बाइडेन कंधे पर रखा हाथ। पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन बोले क्वाड बना रहेगा। बाइडेन से क्वाड के अस्तित्व को लेकर भी पूछा गया था सवाल, मोदी ने कहा हम किसी के खिलाफ नहीं। 2025 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को चांदी से बनी एक ट्रेन का मॉडल गिफ्ट किया, हाथों से उकेरे गए ट्रेन के मॉडल को महाराष्ट्र के कारीगरों ने किया तैयार। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को भी उपहार दिया, पीएम ने जिल को पश्मीना शॉल गिफ्ट की। राहुल गांधी को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया जवाब, कहा भारत में सिखों के लिए काला समय साल 1984 का था, पगड़ी उतार कर जान बचानी पड़ी थी।
राहुल गांधी के बयान से सिखों में भय का माहौल है। सिख संस्थाओं ने बयान वापस लेने की मांग की। बीजेपी सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, लालू परिवार ने गरीबों को लूटा, अगर उन पर मुकदमा चलता है तो स्वागत होना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई की मांग, विधानसभा चुनाव में एमवीए कम से कम 24 मुसलमानों को टिकट दे। हुसैन दलवाई बोले, लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन हमने शिकायत नहीं की। कुमारी शैलजा की नाराजगी पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के सभी नेता मिलकर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस का डीएनए ही आरक्षण विरोधी, वो गरीबों का विकास नहीं चाहती, सीएम सैनी का आरोप। भिवानी में सीएम सैनी ने युवाओं से किया संवाद, कहा बिना पर्ची बिना खर्ची के 2 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस नेताओं ने कुमारी शैलजा के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहे हैं, इसे पूरे हरियाणा में आक्रोश है। बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का बयान। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट सतीश यादव के लिए मांगे वोट। सीएम भगवंत मान ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कहा हरियाणा में देश से 5 गुना ज्यादा बेरोजगारी। आप नेता गोपाल राय बोले, हरियाणा में काफी सपोर्ट मिल रहा है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान, हरियाणा में बिना केजरीवाल के समर्थन की सरकार नहीं बनेगी, समर्थन वाली सरकार पर केजरीवाल का कंट्रोल होगा। केजरीवाल के किंग मेकर वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर, बीजेपी को उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का तंज, बुझे हुए दिए से क्षमा रोशन नहीं किए जा सकती। हरियाणा के कैथल में बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद, INLD बीएसपी की पूर्व बहुमत से सरकार बनेगी। तिरुपति प्रसाद विवाद के बीच डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने उपवास का ऐलान किया, 11 दिनों के लिए राष्ट्रीय दीक्षा ली, कहा तिरुपति मंदिर में हुए इस अपराध का पता नहीं चलने के कारण प्रायश्चित करूंगा। मिलावटी प्रसाद के लिए पवन कल्याण ने खेद जताया, कहा भगवान मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे पिछले शासकों द्वारा किए गए पापों को साफ करने की शक्ति दे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले YSRCP की सरकार ने जन भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया। तिरुपति प्रसादम विवाद पर बोले गोरखपुर से सांसद रवि किशन, समय आ गया है शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने का, संत नहीं योद्धा बने। धारावी मस्जिद मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की 2 टूक, मस्जिदों के अवैध निर्माण हर हाल में ध्वस्त होंगे। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर आरोप, धारावी में अडानी ग्रुप के आने पर बीजेपी हिंदू मुस्लिम दंगे की योजना बना रही। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर बोले अवैध निर्माण और कब्जे पर कानूनी कार्रवाई की जा रही। मुंबई के धारावी में मस्जिद हंगामे के केस में एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट, कल बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद में हुआ था हंगामा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज अरांगे पाटिल ने अनशन का 6वां दिन, अनशन के समर्थन में जालना, परभणी और पुणे जिले के ग्रामीण इलाके आज बंद। मुंबई में जैन संघ यात्रा का आयोजन, महाराष्ट्र की राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। गाजियाबाद में हिंदू समाज ने थूक और मूत्र जिहाद के खिलाफ महापंचायत, लोनी के शिव मंदिर में जुटे लोग कार्रवाई की मांग की। यूपी के हमीरपुर में 9 मदरसों को बंद करने का आदेश, अवैध ढंग से उगाही का आरोप। यूपी के सहारनपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच झड़प, झड़प के दौरान फायरिंग और पथराव भी हुआ, गोलीबारी में कई राहगीरों को लगी गोली। मामले को शांत कराना पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ, हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, 1 आरोपी गिरफ्तार, आपसी विवाद के चलते हुई थी झड़प। गुजरात के भुज में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क किनारे और तालाब के नजदीक अतिक्रमण को हटाया। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। ओडिशा में आर्मी अफसर से मारपीट के मामले पर RJD नेता मनोज झा, इस तरह की घटनाओं के राजनीति के चश्मे से ना देखें, ऐसी घटनाएं पूरे देश में हो रही, इस गंदगी को साफ करने की जरूरत। चंपावत के बनबसा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्य को लेकर की बैठक, जिला अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। बेंगलुरु में श्रद्धा हत्याकांड जैसा चौंकाने वाला मामला आया सामने, घर के फ्रिज से महिला की 20 टुकड़ों में मिली लाश। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी नाम की महिला की हत्या, पुलिस की जांच जारी। बेंगलुरु में पति से अलग किराए के घर में रहती थी महालक्ष्मी। नागपुर के पाड़ी में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। डिप्टी सीएम फडणवीस का मांगा इस्तीफा। हिसार में राज्यसभा सांसद सुभाष वराला सड़क हादसे में हुए घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने बताया रिपोर्ट के हिसाब से सुभाष वराला फिलहाल ठीक, उन्हें बहुत गहरी चोट नहीं लगी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस की पाइपलाइन से रिसाव, करीब 10 लोगों की तबीयत बिगड़ी। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती,
डॉक्टर के मुताबिक सभी की हालत सामान्य। पंजाब के जालंधर में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव, एक व्यक्ति की मौत, न्यायिक जांच के दिए गए आदेश। हमीरपुर में पुलिस और लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से गोलीबारी, पैर में गोली लगने से घायल हुआ लुटेरा। घायल लुटेरे को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, केतन नाम का बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। एक अज्ञात बदमाश को मौके से फरार हुआ, गिरफ्तार घायल बदमाश केतन के खिलाफ गाजियाबाद और नोएडा में दर्ज हुए 10 मुकदमे। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गाड़ियों से डीजल और पेट्रोल की चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एक ट्रक का 20 लीटर चोरी का डीजल और अवैध हथियार बरामद। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, बाकी 3 बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान जंगल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों पर मेरठ और मुजफ्फरनगर के कई थानों में चोरी और लूट के मुकदमे दर्ज, फिलहाल पुलिस बदमाशों से कर रही है पूछताछ। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्करों के घरों पर चला बुलडोजर। दिल्ली के शाहबाद दौलतपुर गांव में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। गाजियाबाद में फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट, मोबाइल सैंपलिंग वैन से जगह जगह जाकर घी चेक कर रही। पंजाब ने नाभा में नकली घी बेचते पकड़े गए 2 युवक, घी के 96 डिब्बे और गाड़ी जब्त। चेन्नई टेस्ट में भारत की शानदार जीत, पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 280 रनों से हराया। 2 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। पहले टेस्ट मैच आर अश्विन ने किया दोहरा प्रदर्शन, दूसरी पारी में झटके 6 विकेट, पहली पारी में शानदार 113 रनों की पारी खेली थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक शतक लगाने वाले विकेटकीपर बने ऋषभ पंत, 2019 से अब तक पंत ने 4 शतक लगाए। लिटन दास और मोहम्मद रिजवान के नाम 3-3 शतक। शुभमन गिल ने 2022 के बाद से सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने, इंटरनेशनल क्रिकेट में 12वां शतक लगाया। बाबर आजम और जो रूट के नाम 11-11 शतक। रविचंद्रन अश्विन ने चौथी पारी में सबसे अधिक विकेट लेने का अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। अनिल अश्विन के नाम चौथी पारी में 96 विकेट, कुंबले ने लिए थे 94 विकेट। दिल्ली कैपिटल 2025 आईपीएल के लिए ऋषभ पंत को कर सकती है रिटेन, रिटेंशन लिस्ट में टॉप पर ऋषभ पंत।